नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के 16 विधायकों के इस्तीफों से संकट में घिरी कर्नाटक सरकार खुद को बचाने में लगी हुई है। इसी बीच कांग्रेस हाईकमान ने इस संकट को देखते हुए अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं को मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कर्नाटक में है। कमलनाथ गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद पार्टी पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे हालातों में कांग्रेस को कर्नाटक और गोवा में बड़ा झटका लगा है। जल्द ही पार्टी इस संकट से सुलझना चाहती है, जिससे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी फैसला हो सके। इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्नाटक और गोवा के सियासी संकट के बीच भोपाल में सभी विधायकों को एक साथ डिनर पर लाकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की थी। इससे कमलनाथ पर हाईकमान का भरोसा भी बढ़ा है और अब उन्हें कर्नाटक में स्थिति संभालने का जिम्मा सौंपा गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस तीनों ही पार्टियां इस वक्त अपने विधायकों को छुपाने में जुटी हुई हैं। पहले कांग्रेस ने विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराया था, अब बीजेपी को भी चिंता सता रही है कि कहीं सत्ता पक्ष उसके विधायकों को न तोड़ ले। और बीजेपी की यह चिंता तब और बढ़ गई जब सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। इसके बाद बीजेपी ने अपने विधायकों को बेंगलुरु के नजदीक रामदा रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर को मंगलवार तक बागी विधायकों के इस्तीफे या उनके निलंबन पर किसी भी तरह का फैसला लेने से रोक लगा दी है। तो कांग्रेस ने कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। गुलाम नबी आजाद के साथ कर्नाटक में हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ, कर्नाटक के सियासी संकट को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे सवाल ये उठा है कि क्या सरकार बचाने में सफल होगी कांग्रेस। आपको बता दें कि गांधी परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। वही कर्नाटक में बनते बिगड़ते समीकरण को देखते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 17 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई है। सीएम कमलनाथ की अचानक विधायक दल की बैठक बुलाने पर राजनीति के गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीएम कमलनाथ अपने विधायकों को सतर्क रहने के साथ ही एकजुट रहने पर भी ध्यान देंगे। आपको बता दें कि सरकार को डर है कि सदन में बजट पर चर्चा के बाद विपक्ष फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है, इसलिए कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है जिससे आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सके। सरकार विपक्ष को किसी तरह का मौका नहीं देना चाहती है, इसलिए अपने विधायकों से सदन में मौजूद रहने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक के साथ विधायकों के लिए डिनर का इंतजाम भी किया गया है। तो सीएम कमलनाथ विधायकों की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि 17 जुलाई को विधायक दल की बैठक होगी सीएम आवास पर। यह विधायक दल की बैठक होगी, विधायकों के लिए डिनर का आयोजन किया जाएगा, डिनर का इंतजाम किया जाएगा। सदन में विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है और मांग कर सकता है फ्लोर टेस्ट की। और सीधे चलेंगे न्यूज रूम, हमारे संवाददाता गोपाल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। गोपाल, क्या लग रहा है, कमलनाथ जो है खेवनहार नजर आ रहे हैं यहां पर? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी कमलनाथ को सौंपी गई है और आलाकमान ने भरोसा जताया है मुख्यमंत्री कमलनाथ पर। गांधी परिवार के कमलनाथ बेहद करीबी माने जाते हैं, लिहाजा जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद को भेजा गया है कर्नाटक में, सियासी संकट जो वहां पर देखने को मिल रहा है उस सियासी संकट को सुलझाने के लिए गुलाम नबी आज़ाद को वहाँ भेजा गया है, उसके साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी भेजा गया है कर्नाटक में। और कल मुख्यमंत्री कमलनाथ कर्नाटक पहुंच चुके हैं और आज लगातार वो बैठकें ले रहे हैं, सियासी समीकरणों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं शिखा, कि किस तरीके से सरकार को बचाया जा सके, किस तरीके से वो कौन सी कवायदें होंगी जिसके तहत सरकार को बचाया जा सकता है। क्योंकि लगातार कुमारस्वामी सरकार अब ये दावा कर रही है सदन के अंदर कि उनके पास बहुमत है और वो फ्लोर टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हैं। शिखा, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो 224 जो सदस्य संख्या है कर्नाटक विधानसभा की, जिसमें से स्पीकर को अगर हटा देते हैं तो संख्या 223 रह जाती है। और इधर जो बहुमत साबित करने का आंकड़ा होता है तो बहुमत साबित करने का आंकड़ा लगभग 112 का होता है। और 112 के आंकड़े में अगर हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति की, तो कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पास एक बीएसपी के विधायक मिला के लगभग 116 विधायक हैं। हालांकि 16 विधायक शिखा इस्तीफा दे चुके हैं, और अगर
ये विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं सदन के अंदर सरकार के खिलाफ, तो सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास सदन के अंदर 105 विधायक हैं, इसके साथ ही उन्हें निर्दलियों का समर्थन भी प्राप्त है। लिहाजा अगर ये 16 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं या फिर सदन के अंदर से एब्सेंट रहते हैं शिखा, तो चीजें बदल जाएंगी। बहुमत का आंकड़ा लगभग 104 का हो जाएगा और कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पास जो सदस्यों की संख्या होगी वो होगी लगभग 100, और ये नाकाफी होगी बहुमत साबित करने के लिए। लिहाजा कुमार स्वामी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन कुमार स्वामी ने ये कहा है कि वो फुल कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें विश्वास है कि वो विश्वास मत सदन के अंदर हासिल कर लेंगे। और ये बात भी सामने आ रही है, येदुरप्पा कल सदन के अंदर ये मांग उठा सकते हैं फ्लोर टेस्ट की, जिसको लेकर कुमार स्वामी स्पीकर से मांग कर चुके हैं, और स्पीकर का भी साफ तौर पर कहना है कि उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए जब भी वो बात करेंगे फ्लोर टेस्ट का समय दिया जाएगा, और अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। हालांकि मुख्यमंत्री कुमार स्वामी का ये दावा भी है कि फ्लोर टेस्ट के पहले पहले जो बागी विधायक हैं वो वापस लौट आएंगे। और रही बात विधायकों के इस्तीफे की और विधायकों के जिस तरीके से उनके निर्वाचन शून्य करने की बात जो शिखा लगातार सामने आ रही है, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मंगलवार तक का समय मुकर्रर किया है और स्पीकर को ये गाइडलाइन दी हुई है कि मंगलवार तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया जाए। लेकिन अगर शिखा क्रॉस वोटिंग होती है तो वहीं उन विधायकों का निर्वाचन शून्य हो जाएगा। बिल्कुल गोपाल, इससे बीजेपी में भी खलबली दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है बीजेपी। जी निश्चित रूप से, जिस तरीके से बीजेपी की परेशानी की बात करें तो ये खबर निकलकर सामने आ रही कि पहले कांग्रेस और जेडीएस अपने बकाया बचे हुए विधायकों को छुपाने में लगी हुई थी, लेकिन जब से कुमार स्वामी ने ये दावा किया है कि उनके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है और वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, लिहाजा ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी ने अपने विधायकों को छुपा लिया है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है कि कहीं बीजेपी के विधायक कांग्रेस या जेडीएस के लोग ना तोड़ लें, लिहाजा जो बीजेपी के विधायक हैं तमाम विधायक उन्हें बेंगलुरु के पास एक रिसॉर्ट में इकट्ठा करके वहां पर रखा गया है। और रही बात मुख्यमंत्री कमलनाथ की, तो मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार वहां बैठकें कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल का अपडेट ये भी था कि शिरडी पहुंचे थे साईं बाबा के दर्शन करने के लिए तमाम जो विधायक हैं, बागी विधायक हैं, वो शिरडी पहुंचे हुए थे। तो ये लगातार गतिविधियां कर्नाटक में देखने को मिल रही हैं, और कर्नाटक के समीकरणों के प्रदर्शन में अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो बात थोड़ी सी दिलचस्प इसलिए शिखा हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों मंत्री तुलसी सिलावट जो हैं, जो सिंधिया खेमे के माने जाते हैं, उनके निवास पर लंच का आयोजन किया गया था और लंच के साथ डिनर का भी आयोजन किया गया था शिखा, और उस कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे और इसके साथ साथ कमलनाथ मौजूद थे और तकरीबन 90 की संख्या में विधायक वहां पर मौजूद थे। हालांकि जो मौजूद नहीं थे उनमें बड़ा नाम था दिग्विजय सिंह का, अशोक सिंह राहुल का और कमलनाथ सरकार के मंत्री पीसी शर्मा का। ये तीन बड़े नेता उस विधायक दल की बैठक कह सकते हैं उसे, एक गेट टुगेदर कह सकते हैं उसे, तो उसमें ये सब लोग शामिल थे और ये कुछ तीन बड़े नेता थे जो उसमें शामिल नहीं थे। लिहाजा बड़ी बात निकलकर सामने आ रही थी, कहीं अंदर खाने में कोई ऐसी बातें तो नहीं चल रही हैं इस दौरान 25 मिनट लगभग। बिल्कुल गोपाल, जिस तरीके से ये कर्नाटक की बात हो गई, लेकिन अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात कर ली जाए, एमपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से डिनर का आयोजन किया और अब वहां पहुंचे हैं, उसके बाद वहां पर बागी विधायक हैं, उनके वापस पार्टी में लौटने का दावा हो रहा है, तो इससे साफ तौर पर नजर आता है कि कमलनाथ जो है उनको महारत हासिल है अपनी पार्टी को एकजुट रखने में। जी निश्चित रूप से, कमलनाथ एक बड़े लीडर हैं और लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर सत्ता हासिल करने की बात हो तो कमलनाथ को इसका बड़ा श्रेय जाता है, और राहुल गांधी और गांधी परिवार के काफ़ी करीबी, काफ़ी विश्वस्त कमलनाथ माने जाते हैं। लिहाजा उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो कर्नाटक में पहुंचें और बागी विधायक जो हैं उन्हें मनाने का प्रयास करें। एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं कमलनाथ, लिहाजा कमलनाथ से कहीं ना कहीं बीजेपी भी खौफ खाती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमलनाथ चीज़ों को सेटल करने में, मैनेजमेंट को सेट करने में बड़ा दाव पेच आजमा सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें जिम्मेदारी बड़ी सौंपी गई है। और जो दूसरा अपडेट वो ये भी है कि कर्नाटक से लौटने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर अपने विधायकों से मिलने वाले हैं, और इसको लेकर चर्चाएं ये हैं
कि कहीं कमलनाथ लगातार अपने विधायकों के संपर्क में है, उन्हें सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पर लगातार खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी मेन डोर से एंट्री नहीं कर सकती, इसलिए बैक डोर का रास्ता अपना रही है। यही कारण है कि लगातार इस तरीके की चीजें सामने आ रही है और हाल में मध्य प्रदेश में भी विधायक दल की बैठक कमलनाथ लेने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोपाल गुप्ता हमारे संवाददाता सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे चर्चा कर रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हैं कर्नाटक, वहां की स्थिति को संभालने के लिए, और स्थिति संभलती हुई नजर भी आ रही है। कमलनाथ सरकार ने पिछली सरकार की राज्य कृषक आयोग को बंद कर दिया है, अब प्रदेश सरकार ने उसकी जगह मध्य प्रदेश कृषि सलाहकार परिषद का गठन करने जा रही है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में इसे बनाया गया था, अब इसमें किसानों के लिए आवाज उठाने वाले संगठनों के लोगों को रखा जाएगा। साथ ही इसमें भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, यूनियन समेत कई किसान संगठनों के नेताओं को शामिल किया जाएगा। वहीं कृषि से जुड़े विशेषज्ञ और अधिकारी भी इस परिषद में शामिल होंगे और इसके लिए नियुक्तियों की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय में भेज दी गई है। प्रदेश सरकार ने राज्य कृषक आयोग बंद कर दिया है। शिवराज सरकार में राज्य कृषक आयोग बना था, एमपी कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, बेहतर नीतियों के लिए ये बदलाव किया गया है। और इंदौर में लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पेंशन घोटाले पर बोलते हुए कहा कि इस घोटाले की जांच होगी। उन्होंने कहा कि गरीबों के पेंशन का पैसा जिसने खाया उन्हें सरकार माफ नहीं करेगी। इसके साथ ही ये भी कहा कि सड़कों का निर्माण काम भी अच्छे तरीके से किया जा रहा है, लोगों के लिए सड़कें बन रही हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए कहा कि वो तो बाहुबली हैं, वो अब हॉकीबाजी करेंगे। तो मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है, पेंशन घोटाले की जांच रिपोर्ट तैयार है, अगले सत्र में घोटाले की पोल खुलेगी, गरीबों का पैसा जिसने खाया है उन्हें माफ नहीं करेगी सरकार। और प्रदेश में उपार्जन में आने वाली समस्याओं का निराकरण अब किसान खुद करेंगे। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि प्रदेश की रबी खरीफ फसल की उपार्जन नीति में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसके लिए जिला स्तर पर किसान संवाद सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि मंत्री तोमर ने 21 जुलाई को झाबुआ से किसान संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं मंत्री तोमर ने बताया कि राज्य सरकार ने उपार्जन नीति में किसानों के सुझाव और अनुभव को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की राज्य सरकार से अपेक्षाओं को भी नीति में समावेशित किया जाएगा। आपको बता दें कि उपार्जन नीति में किसानों को फसल मंडियों तक लाने, तुलाई करने, भंडारण और भुगतान में होने वाली परेशानियों का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। और सीहोर में इछावर विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा किसानों के धरने में शामिल हुए हैं। किसानों के लिए बैठे धरने पर मंच को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ को कपटनाथ कह दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है और कर्नाटक गोवा के बाद अब प्रदेश की सरकार भी गिर सकती है। ग्वालियर में सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी को 4 अरब से ज्यादा कीमत की जमीन 0% ब्याज पर दिए जाने का मामला बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री विजय शाह ने जमीन आवंटन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह गरीबों का स्कूल नहीं है, यहां विदेश से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वहीं विजय शाह ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी को 13 फरवरी 2019 को कमलनाथ सरकार ने ग्वालियर के गाँव आहूखाना कला में 140 एकड़ जमीन दी है, जिसकी कीमत 4 अरब 13 करोड़ 10 लाख 50 हजार रुपए है, जिसे 0 ब्याज में आवंटित कर दिया गया। वहीं इस मामले में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कोई नया आवंटन नहीं किया गया, ये जमीन सिंधिया स्टेट की ही है। तोमर ने आरएसएस के विद्यालयों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार अच्छे स्कूलों को आगे भी जमीन देगी। तो सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी का मामला है, बिना ब्याज के 4 अरब की जमीन देने पर हंगामा हो रहा है। 140 एकड़ जमीन आवंटित करने पर सियासत तेज हो गई है। सिंधिया स्कूल के आवंटित जमीन का विवरण है। कि जो स्कूल है वो गरीबों का स्कूल नहीं है, विदेशियों का स्कूल है, बड़े आदमियों का स्कूल है। उस स्कूल के लिए
4 अरब 13 करोड़ से ज़्यादा कीमत की 146 एकड़ जमीन बिना कोई पैसे लिए कमलनाथ जी ने दान कर दी। उस बात का मैंने विरोध किया, मैंने बजट में भी कहा कि सिंधिया स्कूल कोई गरीब का स्कूल नहीं है, वहाँ गरीब के बच्चे नहीं पढ़ते, उसकी फीस 13 लाख रुपया 15 लाख रुपया साल है, जो कमर्शियल उपयोग करते हैं उनको 4 अरब 13 करोड़ की ज़मीन देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मर्जी है उनकी, सरकार उनकी है, गरीब के पैसे का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने विरोध किया, कोई जवाब वित्त मंत्री ने और मुख्यमंत्री जी ने मुझे सदन में नहीं मिला। अब ये तो वो जाने, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ये जनहित का स्कूल है। देखो ये मैं आपको बता दूं, ये जो एलिगेशन जो मानभाव लगा रहे हैं, पहले खुद के गरेबान में झांप के देखें। जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो बहुत पूर्व से सिंधिया स्कूल, जब मेरा जन्म नहीं हुआ तब से सिंधिया स्कूल वहाँ पे बना हुआ है। सिंधिया स्कूल जब से बना हुआ है वो सिंधिया स्टेट के समय से ही सिंधिया परिवार की जगह थी, वो सोसाइटी को कॉलेज आज नई जगह नहीं दी गई है, आप समझ लीजिएगा। ये गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, कोई नई जगह आवंटित कर दी हो सिंधिया स्कूल को, ऐसा कुछ नहीं है। सिंधिया स्कूल कहीं नई जगह बन रहा हो ऐसा कुछ नहीं है। आज क्या हुआ है भाई, ये तो इनको अपना कुछ ना कुछ कहना है, आधार बनाना है तो बोलना है। तो आपको बता दें कि सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी का मामला है, 4 अरब की जमीन देने पर हंगामा खड़ा हो गया है, उन्हें का गरीबों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी का ये पूरा मामला है, बिना ब्याज के 4 अरब की जमीन दी गई जिस पर यह हंगामा हो रहा है, 140 एकड़ जमीन आवंटित करने पर सियासत तेज हो गई है। सिंधिया स्कूल के आवंटित जमीन का विवरण दिया गया है। आपको बताते पूर्व मंत्री विजय शाह ने जमीन आवंटन पर सवाल उठाए हैं, जो हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि गरीबों का स्कूल नहीं है, यहां विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं। सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी का मामला, और जगदलपुर बस्तर जिला पुलिस की पिंक टीम महिला सुरक्षा को लेकर ग्रामीण अंचलों में लगातार दौरे कर रही है, जिसके लिए पुलिस की पिंक टीम लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इस जागरूक अभियान में नगर पुलिस अधीक्षक और सब इंस्पेक्टर के साथ हमरा स्टाफ और ग्राम पंचायत की महिलाएं बच्चे भी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि बस्तर पुलिस की पिंक टीम आमचो बस्तर आमचो पुलिस के नाम से अभियान चलाकर महिलाओं और बालिकाओं को पिंक बैच लगाकर पिंक टीम से जोड़ती है और काम करने के लिए भी सलाह देती है। पुलिस की पिंक टीम ने डिमरापाल और मंगलू पचौरा गांव में चौपाल लगाकर महिलाओं और बच्चों को पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और गुट टच बैट टच जैसे अपराधों के बारे में भी बताया है। इसके साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला सेल में जाने की भी के लिए भी समझाया गया है। आपको बता दें पुलिस की पिंक टीम ने अभियान शुरू किया है, आमचो बस्तर आमचो पुलिस अभियान का नाम है। अभियान में लोगों को जागरूक किया जाता है। आपको बता दें जगदलपुर में कच्ची पहल यहां पर देखने को मिली है, अभियान शुरू किया गया है जिसमें हर चीज बताई जाती है पिंक करके, ये अभियान शुरू किया गया है। आपको बता दें कि अभियान से लोगों को जागरूक किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में हफ्ते भर पहले तक ठीक ठाक बारिश होने के बाद मानसूनी हवा फिर रुक गई है। पिछले 6 दिन से प्रदेश के ज्यादा हिस्सों में बारिश थम गई है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यहां बारिश की हवाएं 17 जुलाई तक चलने के आसार कम है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं है, ये 1-2 दिन में बनना शुरू हुआ है, तो मैच्योर होने में 4 से 5 दिन लगेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के 12 जिलों में जहां औसत से ज्यादा बारिश हुई थी वहां के आंकड़े सामान्य हो चुके हैं, बचे हुए 15 जिलों में तो बारिश औसत से 59% तक कम हो गई है। प्रदेश के 27 में से 15 जिलों में 59% बारिश कम हुई है। प्रदेश में छः दिन से बारिश नहीं हुई है।
और ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 का उनके फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार था, जो अब बॉक्स ऑफिस में पर रिलीज हो गई और फिल्म ने पहले ही दिन धमाल मचा दिया है। तो देखिए ये रिपोर्ट कि फिल्म ने कितने करोड़ कमाए। फिल्म को मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए कहा जा सकता है कि फिल्म वीकेंड में काफी अच्छी कमाई कर सकती है। बड़े पर्दे पर सुपरस्टार ऋतिक रोशन की जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर ऋतिक के फैंस अपने आप को रोक नहीं पाए और सिनेमा घरों में जमकर डांस करना शुरू कर दिया। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो सुपर 30 बिहार के आनंद कुमार की रियल लाइफ पर बेस्ड है। फिल्म में आनंद कुमार का कैरेक्टर ऋतिक रोशन ने निभाया है, जो मैथ्स में जीनियस और नंबर्स में ही जीता है। अपनी मेहनत के बल पर उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन हालात के सामने वो हार जाते हैं और उनके पास कोचिंग सेंटर में काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।